हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको शो करने वाला हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पीसी विंडो 11 के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले गाइस, आपको माइक्रोसॉफ्ट की इस वेबसाइट को ओपन करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। गाइस, वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है। और गाइस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है वो आपको यहाँ पे बता दी गई है। तो गाइस, यहाँ पे जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो आपको यहाँ पे शो कर दी गई है। यहाँ पे आपका जो प्रोसेसर है वो 1 GHz का होना चाहिए और डुअल कोर का होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी रैम है वो 4 GB होनी चाहिए। और गाइस, आपका जो स्टोरेज है वो सी ड्राइव में 64 GB से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप विंडो 10 को अपडेट कर पाएंगे विंडो 11 में। और यहाँ पे सिस्टम फाइल वेयर है जो यहाँ पे आपका UEFI सिक्योरिटी बूट कैपेबल है, इसको आपको इनेबल करना है। और लास्ट में जो आता है हमारा TPM का ऑप्शन, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिस्टम में TPM 2.0 है तो आप इजीली अपग्रेड कर पाएंगे विंडो 11 को अपने सिस्टम में। और गाइस, इसको TPM को आपको इनेबल करना पड़ेगा। आपको BIOS सेटिंग्स में जाना होगा और BIOS सेटिंग्स में आपको TPM को इनेबल करना होगा, उसके बाद ही गाइस आप विंडो 11 को अपग्रेड कर पाएंगे। और यहाँ पर ग्राफिक कार्ड्स भी बता दिया गया है कि आपको यहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स कितना होना चाहिए, कैपेबिलिटी क्या है, डिस्प्ले रिजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे सारा कुछ शो कर दिया गया है। तो गाइस, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे चेक फॉर कैपेबिलिटी। आपको यहाँ पे अपने सिस्टम की कैपेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि आपका सिस्टम विंडो 11 को सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। डाउनलोड ऐप पे आपको क्लिक करना है। गाइस, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर लेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होने लगेगा। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये भी इंस्टॉल हो रहा है। और यहाँ पे आपको नीचे इंस्टॉल हो चुका है और इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से हम। तो गाइस, यहाँ पे आ चुका है PC हेल्थ चेक। ठीक है, यहाँ पे PC हेल्थ एट अ ग्लैंस आ चुका है। यहाँ पे ये आपके PC की परफॉर्मेंस है वो चेक करेगा। यहाँ पे देखेगा कि आपका जो सिस्टम है वो विंडो 11 को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। और गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग विंडो 11, यहाँ पे चेक नाउ का ऑप्शन आपको दिया गया है। चेक नाउ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, उसके बाद ये आपको शो कर देगा कि आपका PC विंडो 11 को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो गाइस, हम कर देते हैं चेक नाउ पे क्लिक। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। अगर आपका सिस्टम विंडो 11 को सपोर्ट करेगा तो यहाँ पे आपको शो कर देगा दिस PC कैन रन विंडो 11, जैसे कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे शो कर दिया है इसने दिस PC कैन रन विंडो 11। तो गाइस, यहाँ पे जो आपका PC है वो विंडो 11 को अभी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो आप इजीली अपने विंडो 10 को विंडो 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। गाइस, अगर आपका PC विंडो 11 के लिए कंपेटेबल है तो आपको विंडो 11 की ISO फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, यहां पे आप चेक कर सकते हैं इस मेथड से, इस एप्लीकेशन की मदद से, कि आपका PC विंडो 11 के लिए कैपेबल है या नहीं है, आपको इस एप्लीकेशन से पता चल जाएगा, तो आप इजीली अपने विंडो 10 को विंडो 11 में अपग्रेड कर पाएंगे। आई होप गाइस, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।